बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब के गैरकानूनी कारोबार में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। मुंगेर के बरियारपुर में पुलिस ने 100 बोतल विदेशी शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर थाना के पुलिस के द्वारा वहाँ पर चेकिंग किया जा रहा था और चेकिंग के क्रम में बरियारपुर पुराना थाना जहाँ पे था उसके पास जो टेम्पो स्टैंड है उसके पास से एक वाहन जो कि सफ़ेद रंग की ये सफारी गाड़ी है, टाटा सफारी गाड़ी, उसको जब रोका गया तो और जब उसको चेक किया गया तो उसमें से 100 बोतल रॉयल स्टैग शराब बरामद किया गया है, जो सभी 750 ml का है। कुल मिलाकर के 75 लीटर शराब बरामद किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो पति पत्नी है। और इनके द्वारा पूछताछ क्रम में यह बताया गया था कि पूर्व में भी कई बार शराब का तस्करी झारखंड से कर चुके हैं। ये गिरफ्तार पति पत्नी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे की लालच में आकर उन्होंने कानून को तोड़ने का काम किया है। गिरफ्तार पति पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए ताकि दूसरा कोई इस तरह की हरकत करने का दुस्साहस न कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।